जब भी कोई पौधा अगर ऊपर से लेकर नीचे तक सूखने लगता है तो ये आप समझ जाइए कि जड़ में फफूंद का हमला हो चुका है। और उसे ख़त्म करने के लिए आपको बताएंगे बहुत सिंपल ट्रिक, आपको हम बताएंगे आपके घरों में ये उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो जो पौधा ऊपर से लेकर नीचे तक सूखने की कंडीशन में चला जा रहा है उसको इस्तेमाल करने से बिल्कुल वो पौधा आपका हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो चल प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक पेज देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो अप कर दीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे उसको बनाते हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको कि इसमें हमको इस्तेमाल करना है फिटकरी का। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये फिटकरी है और ये भी पता है कि फिटकरी बहुत सस्ता मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। फिटकरी का अगर इस्तेमाल आप करते हैं अपने पौधे पर तो इसका रिस्पॉन्स आपको बहुत बढ़िया मिलता है। आपको बता दें कि गमलों में अगर पौधा लगाए हैं तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़मीन में लगाए पौधा तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बड़े लेवल पर कोई किसान जो सब्जी की खेती किया है उसमें समझ जैसे मिर्च हो गया, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, कभी कभी होता है क्या है कि पूरे पौधा धीरे धीरे ऊपर से लगाया नीचे तक सूखने लगता है, उस कंडीशन में इस फिटकरी का आप इस्तेमाल करिए। कैसे इस्तेमाल करें हम बता दें आपको कि बहुत ऐसे फंगस भी लगते हैं क्योंकि जड़ में एक फंगस नहीं, फ्यूजोरियम बहुत ऐसे फंगस जो लगते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान करते हैं और पौधे को पूरा सुखा जाते हैं। तो जो गमले में पौधे लगाए हैं उनके लिए हम बता रहे हैं आपको कि देखिए आपको लेना है एक लीटर पानी। देखिए एक लीटर पानी ले लीजिए और एक लीटर पानी में कोई भी फिटकरी का कोई टुकड़ा हो आप उसको डाल दीजिए और डालने के बाद कम से कम आधे घंटे तक उसको आप छोड़ दीजिए। आधे घंटे तक छोड़ देंगे तो उससे एक बेनिफिट ये होगा कि उसमें कुछ अर्क निकल के पानी में मिल जाएगा, पानी का कलर देखेंगे बिल्कुल हो जाएगा चेंज। अब उसके बाद इसको आप निकाल दीजिए फिटकरी को, आधे घंटे रख सकते हैं, एक घंटे रख सकते हैं, एक घंटे से ऊपर इसमें आप न रखिएगा। इस फिटकरी को फिर निकाल दीजिए। अब निकालने के बाद आपको करना ये है कि इस पानी में अगर एक लीटर पानी है, आधा लीटर पानी है, दो लीटर पानी है, जितना पानी है उतना पानी सादा सेम आपको उसमें मिक्स करना है। जैसे एक लीटर पानी है तो एक लीटर पानी इसमें रखे हैं पहले से, इसमें हम मिक्स कर लेते हैं तो आपका ये हो गया दो लीटर पानी। अब इस दो लीटर पानी में आपको इस्तेमाल करना है नीम ऑयल। नीम ऑयल दोस्तों अगर घर पे आप बनाए होंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं बना जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाके वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कैसे घर पे नीम का तेल बनाते हैं। आपको हम बताते हैं कि मार्केट में भी नीम का तेल मिलता है लेकिन ये अलग अलग PPM का आता है, लेकिन कोई भी नीम का तेल अगर आपको मिल जाए तो आप रख लीजिए क्योंकि आप किचन गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो नीम का तेल आप एक लीटर, दो लीटर, तीन लीटर जितना भी हो सके आप रख लेंगे तो नीम का तेल बहुत ही बढ़िया काम करता है क्योंकि नीम का तेल फंगस के ऊपर, वायरस के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया काम करता है। इसको छिड़काव महीने में एक बार, अपने पौधे पे कुछ भी नहीं हुआ फिर भी एक लीटर पानी में 2 ml डाल के मिला के छिड़काव करते हैं तो आपके पौधे बहुत स्वस्थ रहते हैं। इसमें आपको कितना मिलाना है हम बता दें आपको कि अगर ये 2 लीटर हो गया तो 1 लीटर में आपको मिलाना है 2 से 3 ml, 2 लीटर हो गया तो आप इसमें 5 ml मिक्स कर दीजिए। जितना भी फिटकरी के पानी आपको बनाना है उस हिसाब से नीम के तेल को मिक्स करना है। इसमें 5 ml हम मिक्स कर दे रहे हैं। जो ये लिक्विड बन रहा है इस लिक्विड को आप इस्तेमाल करिए, बहुत ही बेहतरीन आपको रिस्पांस मिलेगा। अब इसमें आपको ऐड करना है डिशवाश या अगर आपके पास कोई अच्छा स्टिकर है तो स्टिकर को आप ऐड करिए। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर स्टिकर को आप ऐड करेंगे तो स्टिकर का काम ही कुछ अलग होता है क्योंकि 6-in-1, 2-in-1, 4-in-1 मार्केट में बहुत ऐसे स्टिकर आते हैं जो उसका यूज करेंगे तो आपके पौधे पे बहुत बेहतरीन रिस्पांस देता है। तो इसमें स्टिकर आप 2 लीटर में मात्र केवल 1 ml इस्तेमाल कर लीजिए। वो स्टिकर के ऊपर डिपेंड करता है कि इस कंपनी का स्टिकर है या आपके पास ये स्टिकर नहीं है तो डिशवाश तो आप ऑलरेडी इसमें मिक्स कर सकते हैं, डिशवाश इसमें मिक्स करते हैं 2 ml। अब इसके बाद देखिए ये आपका बन के रेडी हो गया। अब इसको हम बता दें आपको कि किसी भी पौधे पे इसका छिड़काव भी कर सकते हैं और छिड़काव के साथ साथ इसी डोज को आप ज़मीन में भी डाल सकते हैं। 100 ml, 200 ml, 300 ml जितना भी आपके पास बड़ा पौधा या फल वाला पौधा है, ज़्यादा बड़ा पौधा है, ज़्यादा बड़े पॉट में आप लगा रखे हैं तो उसमें आप 500 ml तक भी डाल सकते हैं और उसमें भी ये समस्या बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा। अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं, जैसे एक मेरे पास प्लांट है, ये देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो प्लांट है बिल्कुल धीरे धीरे सूखने के कगार पे है तो आपको करना क्या है कि इसको आप कट कर दीजिए। जहाँ तक ये सूख चुका है वहाँ तक इसको कट कर दीजिए, जहाँ तक हरा हुआ छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद इसके पानी में, इसकी मिट्टी में आप इस जो लिक्विड आपने बना के रखा है
इस लिक्विड को आप इसमें डाल दीजिए। अब ये बड़ा पॉट है तो आपको हम बता दें कि इसमें 200 ml 300 ml डाल दीजिए और डाल के रख दीजिए। एक काम ये करना, अगर इस कंडीशन में आपके पास पौधा है तो नेक्स्ट ये फिर 10 दिन बाद दोबारा इसको आप इसी तरीके से लिक्विड बना के आप इसमें डाल दीजिए। दो बार डालने से आप देखेंगे कि जो इसकी जड़ें हैं, जड़ें बिल्कुल फंगस से दूर हो जाएगी और इसमें देखेंगे अगल बगल कल्लियाँ भी इसमें आना शुरू हो जाएंगी। और इसी डोज को हल्का सा फव्वारे से अभी इसको छिड़काव भी कर दीजिएगा। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास प्लांट कोई है या होता चला जा रहा है तो इसका छिड़काव करिए, ज़मीन में डालिए, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। खेत की अगर हम बात करते हैं तो खेत में कोई भी फसल है जो ऊपर से लेकर नीचे तक सूखते हुए चली जा रही है तो उस कंडीशन में जब भी उस खेत में पानी आप दें तो आपको करना क्या है कि अगर एक बीघा आपके पास कोई फसल है और ये कंडीशन हो रहा है तो आपको करना ये है कि जहाँ भी पानी का रास्ता आपके खेत में जाने का हो उसी जगह पे आप 1 kg फिटकरी, यही फिटकरी आप ले लीजिए। और फिटकरी 1 kg फिटकरी ले लीजिए, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, सस्ता ही मिलता है, और वहीं पे आप रख दीजिए। कोशिश करिए कि इससे पानी टच होते हुए खेतों में जाए। देखेंगे इस जो समस्या है सूखने की आपके खेतों में से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसमें नेक्स्ट 15 दिन बाद फिर दोबारा ये काम कर दीजिएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ जो ये समस्या आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसे आप यूज करिए और यूज करने वाले कमेंट आप जरूर करिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों आपको हम बता दें कि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और वीडियो आप देखते हैं देखने में लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए। और आपको रहेगी बात शेयर करने के कमेंट, तो आप इसे यूज करिए, रिस्पॉन्स मिले तो आप शेयर और कमेंट जरूर करिए एक बार वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में टॉपिक के साथ, धन्यवाद।